दोस्तों, यह संसार बहुत से रहस्यों से भरा पड़ा है जिन पर वैज्ञानिक लगातार अपनी रिसर्च करते रहते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं। किंतु फिर भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके विषय में सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि क्या यह संभव है। जय श्री कृष्ण साथियों। दोस्तों, आज हम आपसे 5 ऐसी ही रहस्यमय चौंका देने वाली जगहों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथियों, सबसे पहले आता है बरमूडा ट्रायंगल। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय ट्रायंगल माना जाता है। यह अटलांटिक सागर में 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसका आकार ट्रायंगल के जैसा है। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो चुके हैं। ये कहा जाते हैं आज तक किसी को नहीं पता। साथियों, दूसरा है ब्लड फॉल। यह अंटार्कटिका में स्थित है। यह एक ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पानी नहीं बल्कि खून बहता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह गाढ़ा और लाल हो जाता है। लेकिन यह भी अभी पूरी तरह सत्य नहीं है, यह भी एक रहस्य है। तीसरा है कैनो क्रिस्टल्स नदी, जो कि कोलंबिया में है। यहाँ का रहस्य है कि यहाँ गर्मियों में इस नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं अन्य जगह पर नहीं है। चौथा है डेड सी, यानी मृत सागर। जॉर्डन में मौजूद डेड सी के नाम से जाना जाने वाला यह एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई तैर नहीं पाता। जैसे ही आप तैरने के लिए जाएंगे, वैसे ही आप अपने आप ऊपर की ओर आ जाते हैं। इसमें नमक ज्यादा है, इसलिए यहाँ जलीय जंतु भी नहीं है। अंतिम है द नाज़का लाइन्स। ये पेरू के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन्स खींची गई हैं जो कभी मनुष्य की, कभी किसी जीव की, तो कभी एलियंस और उनके विमानों जैसी लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि यदि आप पास जाकर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब ऊंचाई से ही दिखता है। ये किसने बनाई आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 रहस्यमय जगह। यदि आपको सच में ये चौंका देने वाली लगती हैं, तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।